इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस चर्चित एनकाउंटर में आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे और इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस निरीक्षक मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए। इस एनकाउंटर को लेकर काफी राजनीति भी हुई। आज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में साल 2008 में हुए बाटला एनकाउंटर की जाँच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उमेला काउंसिल के बहराइच अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पहुँच कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के बहराइच अध्यक्ष मौलाना सरवर कासमी ने कहा कि साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर में दो लड़के जो पढ़ने गए थे उनको आतंकवादी होने के शक में मुठभेड़ दिखाकर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मोहन चंद्र शर्मा भी शहीद हो गए। ये जो तीन लोग शहीद हुए थे वो हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच करा ली जाए। सन 2008 से लेकर आज तक राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मांग करते चले आ रहे हैं, ये उनकी मांग करा ली जाए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा वो आतंकवादी थे या आम नागरिक थे। कांग्रेस सरकार के समय से हम लोग इसकी मांग करते आए हैं, मगर अभी तक हमारी मांग नहीं हुई पूरी। हमारी मांग है कि एनकाउंटर की जांच हो, जिससे पता चल सके कि एनकाउंटर फर्जी है या असली है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मौलाना सरवर कासमी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अध्यक्ष जिला बहराइच। आज हम लोग जो है और हमारे कर्ता कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले सन 2008 में बटला हाउस में दो तालिब इल्म आतिफ और साजिद जो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन उनको इस शक के अंदर कि आतंकवाद, उनको मुठभेड़ दिखा करके और उनको कत्ल कर दिया गया और शहीद कर दिया गया। और उसी में एक पुलिस ऑफिसर मोहन चंद्र शर्मा भी कत्ल हो गए। तो ये तीन लोग जो शहीद हुए हैं और कत्ल हुए हैं, हम लोगों की मांग ये है कि उसकी सही जांच करा ली जाए। सन 2008 से लेकर के आज तक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मांग करते चले आ रहे हैं कि उसकी जांच करा ली जाए। जांच करा ली जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यह आतंकवाद हैं या कोई यहाँ के नागरिक हैं, इस चीज़ का पता चल जाएगा। लेकिन मुसलसल ये तो वाकया हुआ है कांग्रेस पार्टी के सरकार में, मुसलसल जब तक उसकी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, हमेशा जांच की मांग करते रहे, लेकिन आज तक जांच नहीं हो पाई। सन 2014 से क्या मांगे हैं आपकी? ये मांग ये है कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाए कि वो इनकाउंटर फर्जी है या ओरिजिनल है, इसकी जांच हो जाए, सही पता चल जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।